पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। आप हमारी मेरी हमेशा फैमिली है और मैं प्यार विहान से करती हूँ। आप बताइए मैं क्या करूँ? I don't know. What should I do? लड़की को मैं ये अंगूठी पहनाऊंगा वो शायरा है मेरी। ये वही अंगूठी है जो विहान ने तुम्हें दी थी। इसी बात पे एक शेर सुना था, यार यार करने वाले इश्क के मुरीद हैं, प्यार प्यार करने वाले इश्क के मरीज हैं। इश्क मर्जी तो है, इसलिए इस कारागिरी का एक अर्ज है। यार का यार पे ना कोई कर्ज है। यार प्यार करे या ना करे, हम तो प्यार करेंगे, इसमें क्या हर्ष है। प्यार प्यार करने वाले यार से लड़ जाते हैं अपने यार के लिए, और प्यार को समझने वाले प्यार के लिए लड़ जाते हैं प्यार के यार के लिए। फिर चाहे कुछ भी हो, मुझे पहले ही समझ में आ गया था, और अब से ये जुदाई वाली काली रात खत्म, न्यू लाइफ स्टार्ट्स। लेकिन लेकिन एक शर्त पे, तुम फिर से अपने आप को ये सजा नहीं दोगी और अपने प्यार पे हमेशा विश्वास रखोगी। यू विल ट्रस्ट योर लव ऑलवेज, ओके? थैंक यू कहना है तो इन्हें कहिए। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। थैंक यू राघव, थैंक यू। बताया, इतनी टेंशन में थी मैं। फिर ये गुस्से वाली स्माइल कैसे देखता तुम्हारे चेहरे पे? और इस नई जिंदगी का मैं भी एक चैप्टर होने वाला हूँ, लाइक वी विल स्टार्ट इट ऑफ ऑल टुगेदर। मुझे भी देखने को मिलेगा इस नई कथा की शुरुआत, और यहाँ से शुरू होती है एक नई कथा शुरू, कथा 2.0, जिससे जिसके पहले ही चैप्टर से मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। रूही कैसे इसे हैंडल करेगी? वो एक बार और अपनी माँ को, नो, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? तो मत छोड़ो। कौन कह रहा है तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए? अरे जल्दी अंदर आओ, इनका हाथ पकड़ लो इससे पहले कि ये रो रो के पूरा फ्लोर गीला कर दे। आ जाओ। कुछ तो करना पड़ेगा ना मामू। कथा को लग रहा है कि
वो सही कर रही है, पर हमें वो करना है जो एक्चुअल में सही है। क्या सही है राघव? कुछ अपने बारे में भी तो सोच। विहान और कथा एक हो जाएंगे, लेकिन बेटा तू तो अकेला हो जाएगा ना। अरे कोई अपने प्यार को किसी और आदमी के हवाले कर देता है भला? मामू, जिससे प्यार करता हूँ उसी की खुशी के बारे में तो सोच रहा हूँ ना। कथा विहान से प्यार करती है, बस उसे उसके हवाले कर रहा हूँ। इन कुछ ही दिनों में आरव और कथा हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। हमारे पूरे घर में खुशियां फैला दी उन्होंने। पर मामू, इस सब में एक हिच है। क्या वो सचमुच यहाँ खुश है? तू कैसी बात कर रहा है बेटा? खुद अपना घर तोड़ के किसी और का घर बचाने चला है तू? घर बनाने के लिए तो दिल की जरूरत होती है ना मामू, और कथा का दिल तो व्यान के पास है। यहाँ रहेगी भी तो भी अभी सिर्फ ड्यूटीज ही निभाएगी या फिर कर्ज उतारेगी। वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसे प्यार देंगे तो सिर्फ रिएक्ट करेगी मामू, एंड दैट्स नॉट व्हाट यू वांट, राइट? क्योंकि उसका दिल तो वहीं रहेगा। देख एंड थिंक अबाउट आरव। आरव का इलाज मैं वैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसका पापा कभी नहीं बन सकता। मुझे पता था कहीं ना कहीं कुछ कमी है, लेकिन कहाँ कमी है अभी समझ में आया। व्हाट अबाउट रोही बेटा? कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार रोही के बारे में भी तो सोच लो। रोही को मैं संभाल लूंगा, और वैसे भी वो बहुत सेंसिबल बच्ची है। अब आप ही सोचिए कि जब रोही बड़ी होगी और देखेगी कि जिंदगी भर उसकी माँ ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही किया, एडजस्ट किया, तो उसे बुरा नहीं लगेगा। कथा बेटा, जब से तू हमारे घर में आए ना, हमने तुम्हें हमेशा अपना माना, और बेटा सारी जिंदगी हम तुम्हें अपना ही मानेंगे। हाँ, लेकिन अभी जरूरी है तुम्हारी खुशी, समझी ना? तू परी की चिंता बिल्कुल मत करना, उसे मैं पटा लूंगा, मना लूंगा, उसे मान जाएगी। I love you very much. You are my baby. वो तो मैं हूँ। मॉम, आपको पता है मुझे डर लगता था कि आप बस मुझे छोड़ के ना चले जाओ। पर डैड ने मुझे बताया कि आप मेरे लिए और उनके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो। जो इंसान अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर सकता है, वो आपको छोड़ के कैसे जा सकता है? सच में मॉम, मैं बस यही चाहती थी कि आप हमेशा हर वक्त मेरे साथ ही रहो। पर वो तो प्यार नहीं होता है ना, वो तो डर होता है ना? और जो आपसे प्यार करता है वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाता। तो अब मेरे साथ हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी मॉम रहोगी ना? हमेशा, I promise. मंकी, I know मंकी, हाँ, क्या दर्द होता है, गुस्सा आता है, और कोई बात हो तो आना भी चाहिए। आपको मम्मा से, पापा से कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बोलना चाहिए, अपना गुस्सा निकालना चाहिए, डांटना चाहिए हमें, पर हम तो एक टीम है ना, साथ नहीं छोड़ना चाहिए कभी, नो मैटर, ओके? हे, जो होगा आपकी मर्जी से होगा, नो प्रेशर, राइट? बैटमैन, ये देखो क्यूट डॉगी ब्रोच। आई लव डॉग्स यार, कितना प्यारा है। इसे आप अपने कोट पे लगा लेना।
यार ये कितना क्यूट डॉगी पेन है यार. ओके फाइन. इतनी सारी नाराजगी वो भी वियान से. मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी. ऑफ कोर्स तुम्हें उसके बारे में बात नहीं करनी. उसने तुम्हारी मॉम को हर्ट किया है. उसके अलावा और भी कोई रीजन है क्या? इतना काफी नहीं है क्या? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.